चैलेंज कर रहे थे मन से कि हमसे डिबेट कर लें सर, एकदम चैलेंज कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि एक श्याम सिंह यादव उनको चैलेंज कर रहा है कि एक दिन किसी टीवी चैनल पर कहीं फिक्स करके मेरे सामने किसी भी चीज पर बहस कर लें। और अगर मैं हार गया तो मैं हार के भी जीत गया, यहां का यादव हार। मैं आपको बता रहा हूं और बता दूं, चाहे यादव लाख बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे लगे, जो चोर के पीछे है तो चोर है, जो डकैत के पीछे है तो डकैत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में जो है बसपा सांसद और प्रत्याशी जो है लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से जो है अपील कर रहे हैं। सर आज जो है आप ज्यादातर ये कह रहे हैं कि यादव के रेजिमेंट पे आपने बात की और यादव को आप काफी चीजें समझा रहे थे। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सबकी भलाई के लिए लगा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं सबकी भलाई के लिए लगा हूँ। सब जातियां सब धर्म के लोग मेरे साथ आज खड़े हैं, हर वर्ग के लोग कुछ न कुछ खड़े हैं जो मेरे लिए चल रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, यादव हो, कुर्मी हो, लोध हो, निषाद हो, अनुसूचित जाति हो, लुहार हो, कुम्हार हो, धोबी हो, नाई हो, सभी, क्योंकि मैंने सभी का काम किया है, सभी मेरे पास आए हैं, सभी का मैंने सत्कार किया है, स्वागत किया है और सभी का काम किया है। आप जो है सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और भाजपा प्रत्याशी चैलेंज कर रहे थे मन से कि हमसे डिबेट कर लें सर, एकदम चैलेंज कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि एक श्याम सिंह यादव उनको चैलेंज कर रहा है कि एक दिन किसी टीवी चैनल पर कहीं फिक्स करके मेरे सामने किसी भी चीज पर बहस कर लें, जो भी जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सड़कों की आप देख रहे हैं क्या हालत है, किसी भी मुद्दे पर हमसे बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं, चाहे फॉरेन। जो ये यादव को लेकर के आप ज्यादातर ये कह रहे हैं सर कि एक विशेष जात के लोगों को हो गए हैं, हमारी जो है एक विशेष लोगों के हो गए, पार्टी को गए और ब्यूरोक्रेसी में यादव नहीं। मैं तो सुनता रहता हूँ, मैं तो सुनता रहता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, लग रहा है माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। ननकू गौतम बिलोई के, इनको मैं खुले आम वोट देंगे। हाँ खुले आम वोट देंगे और क्या, बीजेपी नहीं देंगे, नहीं देंगे। 5 किलो खातर के ऑर्डर का ये दे रहे हैं, 5 किलो का तो पूरा गरीब है, गरीब 5 किलो खातर का पूरा आर्थिक है। तो गौतम हाँ बोलता बिलोई के 5 किलो में 3 किलो आटा हुए जितने कुटदार। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार का? इस बार का बसपा जीत रही है। कहाँ जीत रही है? यहाँ से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा है, उधर से भाजपा प्रत्याशी हाँ। शंकर सिंह है। तो जीत रही है ना बसपा? हाँ बसपा जीत रही है। हाँ जीत रही है, कहाँ जीत रही है? इलेक्शन के दिन चुनाव जब होगा तब पता चलेगा ना। हाँ तो कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मौलिया हो गए, यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, इनके साथ तो सिर्फ दलित है। दलित कम है, दलित कम है और लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ रहे हैं, जुटा हम हाथी पे कितना मिले थे? 5 किलो 25 किलो 24 किलो तो मिले थे, कोटेदार 1 किलो 2 किलो कम ही दिए थे। हाँ कोटेदार 2 किलो कम ही दिए थे, मशीन नहीं आई वो पर तौलता ही ना आए कांटा पे, उस कांटे पर तौल ही नहीं रहे हैं कोटेदार। हाँ नहीं तौल रहे हैं, कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे ये बताओ। नहीं सर मिले बात रही मिले बोलते कम मिलत बा, अगर 25 किलो आटा बगे जेपी का है इतना समस्या को। राम मंदिर बनिए बाटा ही भगवान के, भगवान बना सही बे कुल के जो हम ओम दान दे सके थे दर्शन करे दा ना दर्शन ना, अगर हमरे खा पिए को हम तो दर्शन करब। हां भैया क्या कह रहे हैं? 3 महीने का तो ट्रेन फ्री बा रहा है साहब, एक मत करा
नहीं ना हम के का डरा है जब आए तब दिखाए जब देवा 25 तारीख के लिए अभी जो है जगह जगह सभी प्रत्याशी अपना एड़ी चोटी का जो है जोर लगा रहे हैं, सभी जनता के बीच में जा रहे हैं सभी प्रत्याशी और जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार उन्हें जिताएं। फिलहाल अब देखना होगा आखिर जो 4 जून को रिजल्ट आता है वो क्या होता है, कौन यहां से सांसद बनकर जाता है। प्रमोद गुप्ता।